गाजीपुर से सुभाष कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर 20 सूत्री मांगों को लेकर फार्मासिस्टों का धरना। गाजीपुर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार आज दिनांक 4 दिसंबर 2021 को जनपद के प्रभारी अधिकारी चीफ फार्मासिस्ट फार्मासिस्टों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित 20 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया गया। जनपद के फार्मासिस्टों ने शासन प्रशासन द्वारा संवर्ग के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाए जाने का आरोप लगाते हुए आंदोलन का आगाज कर दिया है। उत्ताशे की जानकारी जनपद अध्यक्ष डॉक्टर ओंकार नाथ पांडे एवं डॉक्टर रमेश चंद्र ने दी। उन्होंने कहा 5 दिसंबर से 8 दिसंबर तक काला फीता बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे, जो आगे चलकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगा। संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि संघ लगातार सरकार व शासन को पत्रों के माध्यम से अपनी मांगों को अवगत कराता रहा है, परंतु शासन द्वारा आज तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। सीमित औषधियों के प्रिस्क्रिप्शन लिखने के अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव, पदनाम परिवर्तन का प्रस्ताव शासन में लंबित है। कार्य एवं दायित्व को देखते हुए वेतन उच्चीकरण की मांग पर वेतन कमेटी की रिपोर्ट पिछले 5 वर्षों से वित्त विभाग में धूल खा रही है। लगभग 20 वर्षों से भत्तों का पुनरीक्षण नहीं हो पा रहा है। शासन स्तर पर कई बार वार्ताओं में बनी लिखित समझौते के बाद भी उच्च पदों का सृजन नहीं हो पाया। पदों का पुनर्गठन न होने से फार्मासिस्ट प्रोन्नत के लाभ से वंचित होकर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। संवर्ग में सृजित 2 उच्च पद विशेष कार्याधिकारी फार्मेसी योग संयुक्त निदेशक फार्मेसी के एकल पद विगत 5 वर्षों से लंबित पड़ा है। प्रभारी अधिकारी फार्मेसी के लगभग 40 से अधिक पद एवं चीफ फार्मासिस्ट के सैकड़ों पद रिक्त हैं, जिन पर पदोन्नति नहीं की गई। ट्रॉमा सेंटर में अभी तक एक भी पद सृजित नहीं है, जिसे वहां पर अन्य चिकित्सालयों के फार्मासिस्टों को सब बंद कर उधार से कार्य संचालित किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सा सुविधाएं 24 घंटे संचालित हो रही हैं, परंतु मानक के अनुरूप मात्र 2 पद फार्मासिस्ट सृजन का प्रावधान है, जिसमें एक एक फार्मासिस्ट 24 से 48 घंटे काम कर रहा है। शासन द्वारा ड्रग वेयर हाउस बनाए गए हैं, परंतु फार्मासिस्ट का पद सृजित नहीं किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों के अनुपस्थिति में फार्मासिस्ट चिकित्सीय कार्य करते हैं, परंतु प्रभार भत्ता के नाम पर मात्र 75 रुपए प्रतिमाह दिया जाता है। साथ ही चिकित्सीय कार्य को अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। संघ का कहना है कि उनकी सभी मांगे न्यायोचित एवं जनहित में है। मांगों की पूर्ति होने से जनता को अच्छी गुणवत्ता एवं चिकित्सा सेवा प्राप्त होगी। संघ ने माननीय मुख्यमंत्री जी से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा है, संघ आंदोलन नहीं चाहता, परंतु शासन द्वारा उनके प्रति नकारात्मक रवैया अपनाए जाने से आंदोलन किया जाना मजबूरी बन रही है। संघ ने सभी मांगों पर निर्णय कर शासनादेश निर्गत करने की मांग की गई है। धरने में मुख्य रूप से विभिन्न लोग उपस्थित थे। डॉक्टर विजय श्रीवास्तव, डॉक्टर अनिल वर्मा, डॉक्टर अनिल कुशवाहा, डॉक्टर अवधेश कुमार यादव, डॉक्टर राम प्रकाश चौधरी, डॉक्टर भगवान सिंह कुशवाहा, डॉक्टर नंद किशोर पांडे, डॉक्टर सुभाष चंद्र, डॉक्टर बलवंत कुमार, डॉक्टर साहिब जमाल, डॉक्टर आशुतोष कुमार गुप्ता, डॉक्टर आशीष सिंह, डॉक्टर बुद्धिलाल प्रसाद, डॉक्टर विपिन सिंह, डॉक्टर अनिल कुमार यादव, डॉक्टर रंजन कुमार प्रजापति, डॉक्टर मोहम्मद इमरान, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर प्रदीप पांडे, डॉक्टर शशिकांत तिवारी, डॉक्टर राजीव कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर शैल कुमार चौहान, डॉक्टर सूर्यभान यादव, डॉक्टर संतोष कुमार ठाकुर, डॉक्टर अश्विनी कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा द्वितीय, डॉक्टर अजय सिंह, डॉक्टर घनश्याम सिंह, डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा, डॉक्टर देवेंद्र सिंह यादव, डॉक्टर अंगद यादव, डॉक्टर पंकज कुमार शुक्ला, डॉक्टर अखिलेश कुमार कैथवार, डॉक्टर कुंदन कुमार रहे मंत्री, डॉक्टर रमेश चंद्र आदि लोग उपस्थित रहे। बाइट ओंकार नाथ पांडे जनपद अध्यक्ष। सर अपना परिचय दें। मैं ओंकार नाथ पांडे। सर आप लोग धरने में बैठे हुए हैं, क्या मामला है? हमारी 20 सूत्री मांगे हैं, जो पूर्व में सरकारों द्वारा आश्वासन दिया गया, लेकिन उस पर कोई ठोस से निर्णय नहीं लिया गया। वर्तमान सरकार को भी हम लोगों ने दिया, लेकिन ये भी सरकार हम लोगों की मांगों पर न्यायोचित निर्णय नहीं ले पाई, इसलिए ये एक दिवसीय धरने का कार्यक्रम रखा गया। ये धरना आप लोगों का कब तक चलेगा? ये धरना आज मुख्यमंत्री जी को मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन जाएगा, और ये धरना एक दिवसीय है। आगे 5, 6, 7, 8 तक जो है हम लोग ब्लैक रिबन बांध करके विरोध करेंगे। 9, 10, 11, 12 दो घंटे कार्य का बहिष्कार करेंगे, 2 घंटे। उसके बाद 18-19 को जो है OPD सेवाएं बंद होगी, और 20 तारीख को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डिप्लोमा फार्मासिस्ट के संगठन के सदस्य। आप लोग धरने पर बैठे हुए, क्या उच्च अधिकारी को इस बात की पता है? उच्च अधिकारी को इसकी जानकारी है।